मुंबई में ज़्यादा बारिश होती है और इधर बारिश नहीं हो पाती पर्वत की वजह, इसलिए यहाँ पर कम होती है। इस वर्षा को क्या बोलते हैं हम? ऑरोग्राफिक रेन, ऑरोग्राफिक रेनफॉल हिंदी में इसको बोलते हैं पर्वतीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा। देखो क्या होती है, मैं बता देता हूँ, है ना, जल्दी से। ये पर्वत है कोई, है ना, ठीक। अब यहाँ से हवाएं चलती है, इसके ढलान से ऊपर उठती है ना, ऊपर उठती है, गर्म होती है, इसमें क्या होता है, मॉइस्चर होता है। तो ये यहाँ पर आकर क्या होता है, इसमें बादल बन जाते हैं ऊपर, और वर्षा इस वाले पार्ट में होती है, इसको बोलते हैं विंडवर्ड साइड, विंडवर्ड, है ना। इधर क्या होता है, हाई रेनफॉल होता है, अधिक वर्षा होती है, इस साइड हो जाएगी ना। और दूसरी साइड क्या होती है, फिर हवाएं नीचे उतरने लगती है तो उनमें कुछ नहीं बचता है, ड्राई हो जाती है ना, इसको इसको बोलते हैं लीवार्ड, इसको बोलते हैं हम रेन शैडो जोन, वृष्टि छाया क्षेत्र, वृष्टि छाया क्षेत्र, ठीक। एक तरफ बारिश हो जाती है, एक तरफ नहीं होती, जिधर नहीं होगी वृष्टि छाया क्षेत्र यानी मत वर्षा नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये कौन सी है, जब हम रेनफॉल पढ़ेंगे उसमें सारे टाइप्स पढ़ लेंगे ना अच्छे से, ठीक है। तो ऐसा ही इधर हुआ है ना, कहाँ पर, यहाँ पर। तो इसने बारिश यहीं पर कर दी सारी, है ना, इधर वाले पार्ट में, इधर नहीं गया। और जो काठियावाड़ है ये जाता है तो यहाँ पर आपको एक मिलेगा डेजर्ट, है ना, थार का रेगिस्तान। उसका रीजन क्या है, ये अरावली है ना, ये ऐसे होती तो रुक जाता, लेकिन ऐसे है तो ये रोक नहीं पाता और सीधा इधर चला जाता है। ये जो हवाएं हैं सीधी कहाँ जाकर टकराती है, हिमालय, इस वाले, और इस वाले पार्ट में बहुत ज़्यादा वर्षा कर देती। ये है हमारा कुमायूं वाला, है ना, कुमायूं हिमालय, ठीक है। कुमायूं हिमालय यहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है ना, वेरी हाई रेनफॉल। तो 2013 की घटना याद होगी आप लोगों को, यहाँ इतनी अधिक वर्षा होती है तो ऐसा लगता है कि बादल फट गए, इसको बोलते हैं क्लाउड बस्ट, बादलों का फटना। मूसलाधार बारिश जिसे बोलते हैं वो यहाँ होती है ना, क्योंकि इधर से फुल जाता है, ये पूरे तेवर के साथ जाता है हिमालय, देखता है आजा, मैं भी देखता हूँ, है ना, कहाँ जाएगा, तो वो इसको पकड़ लेता है, सारी वर्षा वहीं हो जाती। तो जो हिमालय वाले, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश वाला इलाका है, वहाँ पर बहुत तेज़ बारिश होती है और हर साल सुनते बाढ़ आ जाती है। तो वो इसी की वजह से, क्योंकि अरावली तो बहुत बूढ़ा हो चुका है बेचारा, रोक ही नहीं पाता, ये है जवान, जाने ही नहीं देता उसे, है ना। तो यहाँ ज़्यादा बारिश होती, किसकी वजह से, पर्वत की वजह से, है ना, क्योंकि वो सबको वहीं रोक लेता है। तो ये कौन सी शाखा हो जाएगी हमारी, अरेबियन, है ना, कौन सी थी, अरेबियन। अरब सागर की शाखा, क्या क्या हुआ था इसमें बताएं, किधर से आ रही है, वेस्टर्न कोस्ट, है ना, इसी को क्या बोलते हैं, वेस्टर्न घाट। इसको बोलेंगे पूर्वी, नहीं, पश्चिमी तट, पश्चिमी तट या पश्चिमी घाट, है ना, ठीक है। कहाँ पर आती है, मालाबार और काठियावाड़, ठीक है। कब आती है, फर्स्ट वीक ऑफ जून, है ना, जून का प्रथम सप्ताह। होता क्या है इससे, ये जो हमारा मानसून है उसका बड़ा वाला भाग है ना, बिगर पार्ट है, ठीक है। अरब लगभग इससे 60% पार्ट यही है, ठीक है, बट इससे जो रेनफॉल होता है वो स्मॉल होता है, कुछ ही इलाकों में होता है इससे, या तो जाके हिमालय में करेगा या वेस्टर्न घाट में करेगा, बस वहीं पर होता है ना।
तो रेनफॉल क्या होता है इससे लेस होता है ना, कम होता है, किसकी तुलना में? बायो बंगाल जी, नहीं उसका भाग है जो मानसून आता है, क्योंकि तो उधर से आता है तो दो शाखाएं तो ज़्यादा कवर ये करता है, बायो बंगाल छोटा पार्ट है बट वो वर्षा ज़्यादा करता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा अरेबियन ब्रांच, अरेबियन ब्रांच क्लियर हुई। अब दूसरा पार्ट कौन सा है? बायो बंगाल है ना। टाइम अभी 2 घंटे बाकी है, ठीक है, है ना। हाँ एक और मैप बनाओ इंडिया का, ठीक है, जल्दी से। जितनी बार बनाओगे उतनी बार सुधर जाओगे। बन गया, बन गया तो अच्छी बात है ना। अब दूसरा पार्ट देखिए ना, पहला तो ये हो गया, अब दूसरा भी यहीं से जाएगा, इधर से ही है ना। मैं इसी में कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हो अगर कचर पचर ना की हो तो, है ना। वो मैप ताकि आप लोग बनाओ इसलिए मैंने बना लिया, वरना आप बोलते सर आपने तो बनाया ही नहीं, हमसे बनवा लिया है ना, तो ना इंसाफी ना हो, है ना, सबके साथ न्याय हो। ये कौन सा है? बायो बंगाल ब्रांच, ठीक है, बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो दूसरी शाखा ये वाली है, तो ये जब जाती है तो इधर भी क्या है, हिमालय है, तो ये भी निकलने नहीं देता है ना, और ये इधर से घूम कर फिर इधर आ जाती है ना, इधर। और यहाँ पर है मेघालय, है ना, यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ हैं जो इसमें ये फंस जाता है और निकल नहीं पाता है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और उस जगह का नाम है मौसिनराम, मौसिनराम या मौसीराम, जो भी नाम बोलो आप, है ना, मौसिनराम, ठीक है। यहाँ पर एनुअल जो रेनफॉल होता है 1180, लगभग बता रहा हूँ, है ना, सेंटीमीटर, 1180 सेंटीमीटर एनुअली है ना, वार्षिक वर्षा है, वार्षिक वर्षा कितनी है? 1180, जो कि वर्ल्ड का रेनेस्ट प्लेस है, ये विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है ना। हाँ वो था पहले, पहले था वो, है ना, मोसिनराम हो गए, नाम बदलते रहते हैं। आज जबलपुर है, कल मामा को मर्जी हुई मैं नहीं रखूँगा जबलपुर, बदल देंगे वो, है ना, कुछ भी कर देंगे, है ना, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? मोसिनराम में, किस वजह से? कि यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, वो फंस कर यहीं रह जाता है, तो यहाँ लगभग कितनी होती है उस स्थान पर, और यहाँ का एवरेज देखे तो लगभग 350 से 400 तक होती है, और जब तक ये दिल्ली हरियाणा पहुँचता है यहाँ हो जाती है केवल 50 से 70, यानी इधर चुसा हुआ आम जाता है ना पूरा, या मोटा होता है या चुसा हुआ जाता है, बहुत कम होती है, ठीक है। तो इंडिया पर ज़्यादातर पार्ट से जो ज़्यादातर वर्षा होती है वो कौन से वाले पार्ट से होती है? बायो बंगाल से, ठीक हो गया। तो वही लिख लेना जैसे उसमें लिखा है, लिख लोगे ना, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं ना। ये तो हो गया हमारा कौन सा, समर मानसून, समर मानसून में कौन सा हुआ, दोनों शाखाएं हो गई ना, ठीक। अब लौटता हुआ मानसून भी आता है ना, किसका टाइम तो यही जाएगा ना,
ठीक है, लेकिन पहुंचता है तो वो बारिश यहाँ तो जून में आ जाता है, लेकिन हमारे पास नहीं आता है ना, टाइम तो लगता है ना सबको आने में। अब लौटता हुआ मानसून, इसको क्या कहेंगे, विंटर मानसून। शीतकालीन मानसून है ना, इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट मानसून। नॉर्थ ईस्ट क्यों बोलते हैं, उधर से आता हुआ प्रतीत होता है ना, इनमें फंस जाता है फिर वापस यहीं से आता है, लौटता है ना, इसलिए इसको लौटता हुआ मानसून बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया, इसको क्या कहेंगे हम, लौटता हुआ मानसून। कब आता है ये, अक्टूबर में आ जाता है, अक्टूबर नवंबर में। तो जिस वाले जहाँ पर उसमें देखो उधर, अब ये वाला जो पार्ट बच रहा है, ये वाला, इसमें बारिश लौटते हुए मानसून से होती है। ठीक है, ये जो वाला पार्ट बचा, क्योंकि जब आया था तो पर्वत ने रोक लिया था, एक वाला इधर से निकल गया था, ये जो सीधा चला गया था टकराया वहाँ जाकर। अब इसमें बारिश कब होती है, जब ये लौट कर आता है। तो ये जो वाला पार्ट है, तो आपने देखा होगा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक में जब लौटता हुआ मानसून होता है अक्टूबर नवंबर में, तब वहाँ बारिश होती है। अब ये वाला रीजन बच गया, ये इसमें बारिश कैसे होती है, अब इसका आप जवाब दो मुझे। ये टकरा के आया, जब गया था तो वो इधर चला गया था, है ना। एक चीज हो रही है उसमें, ये वाली शाखा कौन सी है, अरेबियन वाली, और ये अब ये जहाँ मिलती है उस क्षेत्र का नाम है यूपी का मैदान, है ना। दोनों कहाँ मिलती है, ये उत्तर प्रदेश के मैदान में, इनका जो कन्वर्जेंस जो है ना वो कहाँ पर है, यूपी में, ये वाली और ये वाली, लेकिन ये वाला इलाका खाली रह जाता है। अब इसमें बारिश कैसे करवाएं बताओ, चाहिए तो इसको भी पानी, सबको चाहिए ना, यहाँ कैसे होती है इस वाले इलाके में। आपने देखा होगा बरसात, जो कौन सी ऋतु है, शीत ऋतु, उसमें बारिश होती है, और वो इसी वाले इलाके में होती है। बताइए, उसको मध्य प्रदेश में स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, मावठ, वो क्यों होती है, मावठी तो बोलते हैं ना उसे, फिर क्या बोलते हैं, मावठी बोलते हैं ना, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसको मावठ बोलते हैं। अब आप क्या नहीं बोलते हैं उसकी बात अलग है ना, किताबों में लिखा हुआ है तो उसमें बोलते हैं ना, क्यों होती है बताएं। किसका, वो तो वहीं रह गया खत्म, वो गया तो वो इधर ही रह गया, ये वापस इधर सीधा आ गया, कोई रीजन ही नहीं बचा वहाँ, तो इधर से जाता है वो सीधा वहाँ टकराता है जाकर, यहाँ पर यहाँ वर्षा कैसे होती, हाँ वेस्टर्न डिस्टरबेंस, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ का नाम सुना होगा आपने, यहाँ वर्षा उसी से होती है, ठीक है, किससे, पश्चिमी विक्षोभ, वो देखते हैं वो क्या होता है ना। अब इस आप जगह छोड़िए, ऐसा जगह है इधर अफ्रीका का मैप बनाओ, बनाना है उसमें, मैं क्या करूँ, है ना, अफ्रीका ही बनाना है ना, क्या अच्छा हो जाएगा, कैसे बना लो कोई दिक्कत नहीं है ना, अफ्रीका बनाना है अपन को, करना क्या है, अफ्रीका तो बिल्कुल सरल है, ये लो, ठीक है, अफ्रीका बन गया है ना। अब यहाँ पर एक सागर है, मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर है ना,
क्या मिलेगा आपको? मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन भूमध्य सागर। तो यहाँ की जो जलवायु है उसका भी नाम भी यही है ना। मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट, ठीक है, भूमध्य सागरीय जलवायु, ठीक, उसको लिख लेना भूमध्य सागरीय जलवायु। ये जो कॉन्सेप्ट है वो चक्रवात में आता है ना। तो अभी मैं सिंपल बता देता हूँ, है ना, फिर चक्रवात में पूरा समझना है कैसे होता है। तो यहाँ पर जो रेनफॉल होता है वो विंटर में होता है। रेनफॉल कब होता है यहाँ पर? विंटर में, जब उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। अब बारिश का रीज़न क्या है? कि वहाँ पर लो प्रेशर होगा, तभी तो हवाएं ऊपर उठेंगी, तभी बारिश होगी, है ना। तो मतलब यहाँ क्या होता है? लो प्रेशर जनरेट होता है कहाँ पर? मेडिटेरेनियन सी में। और यहाँ से फिर क्या चलती है? जेट स्ट्रीम चलती है। तो कल पढ़ाई थी, अभी पढ़ाई थी ना, इन जेट स्ट्रीम की वजह से क्या होता है इंडिया में? बारिश होती है। कहाँ पर? इस वाले रीजन में। किस वजह से होती है वो? इसी को बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टरबेंस, पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न हिंदू कुछ तो यहाँ है, इधर इधर कुछ नहीं है क्या? यहाँ पर उनकी इतनी हाइट नहीं है कि वो जेट स्ट्रीम को रोक सके, नहीं, वो इधर से आती। अभी बताया तो था क्या, यही क्यों आता है? उधर से आएगा तो यही तो पड़ेगा ना इलाका, निकल के कहाँ जाएगा? तब तक तो वो ठंडा पड़ जाता है। तब वो भी रीजन है, क्योंकि वहां भी पर्वत आ जाते हैं तो वो भी रोकेंगे, प्लस जब तक वो आता है तब तक ठंडी भी तो जाती है ना, कि बरसती रहेगी वो, नहीं बरसेगी ना, ये भी जाता है ये भी धीरा हो जाता है, जाते हैं तो वो बरसेंगे तो फिर कम हो जाएगा ना, ऐसा तो है नहीं अनलिमिटेड पानी होगा उनके पास, नहीं रहता, नहीं, वो कटी फटी है तो वो नहीं रोक पाती उसको, वो हिमालय की तरह एक तरह से नहीं है ना, टूटा फूटा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अरावली का जिक्र आया, अरावली कहाँ है? कहाँ से स्टार्ट होती है? स्टार्ट कहाँ से होती है? स्टार्ट गुजरात से, दिल्ली में एक जगह है मजनू का टीला है ना, मजनू का टीला है जो जैन यूनिवर्सिटी है उसके पास, वहाँ सब मजनू रहते हैं, उसका नाम मजनू का टीला ही है ना, जो यूनिवर्सिटी वाले विद्यार्थी हो वहाँ जाते हैं तो उसका नाम मजनू का टीला ही हो गया है ना, लंच करने जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ तक फैली हुई है ना, वहाँ उसका एंड है, ठीक है, अरावली का। तो ये आया समझ में? अब यहाँ की जो जलवायु वो कैसी ठंडी होती है, क्योंकि बारिश ठंड में होती है, तो ठंड में कौन से फल आते हैं? यहाँ पर होते हैं अंगूर, संतरे, है ना, और उनसे बनती है ब्रांडेड वाइन, शराब, है ना। तो यूरोप में उनको पीते हैं, जैसे हमारे यहाँ चाय है वहाँ वाइन है, वहाँ जाओगे तो पूछेंगे कितनी लोगे, है ना, कितने